हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो गाइस, गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए मैंने पराठा फैन जो है पक्का वो लगा दिया है। आपको दिखाता हूँ, ये देखिए गाइस, यहाँ पे पक्का लगा हुआ है। चावल बना लिया है, ये सब्जी मेरी बन रही है, सब्जी बन रही है। और अभी देख लीजिए कितना टाइम लगेगा सब्जी बनने। मुझे थोड़ा जाना था अर्जेंटली कहीं पर, बट सब्जी बनने के बाद ही मैं जाऊँगा। देख लीजिए मेरी दिनचर्या यही हो रही है, घर पर रहता हूँ, कुकिंग खुद से ही करनी पड़ती है, क्या करें, एक के लिए तो करना पड़ता है कुछ ना कुछ। अगर बनाएंगे ना तो खाएंगे कहाँ से, घर पर नहीं है कोई तो चलो हेल्प करवा देते हैं कुछ ना कुछ। अगर मैं बना के रखूँगा खाने के लिए तो उन सबको भी ज़्यादा भीड़ नहीं पड़ेगा, फिर आके वो लोग थोड़ा रेस्ट वगैरह करेंगे, वो सभी काम कर गए। ओ भाई, ये रही हमारी लकड़ियाँ, दिखाता हूँ, ये देख लीजिए, ये हमने लकड़ियाँ रखी हुई हैं और उधर हमारा खाना बन रहा है। और इसकी जो ये देख लीजिए, ये कम हो गया है, मुझे लगता है थोड़ा बाल नागे करना पड़ेगा। ये देखिए चूल्हे पर कितना अच्छा खाना बनेगा, बहुत ही स्वादिष्ट। अभी मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस, इसे मैं उतार कर यहाँ पर रख देता हूँ और वाह भाई गाइस, सब्जी देखिए कितना स्वादिष्ट बन गया है। हमारा बिल्कुल सब्जी बनकर रेडी हो चुका है। गाइस, हमारी जो है सब्ज़ी रेडी हो चुकी है, तो हम इसे लेकर जाएंगे और इसे टेस्ट करेंगे। तो और तो और गाइस, मैं दिखाता हूँ आपको, आपको जो आवाज़ें आ रही है, बैक साइड में ट्रैक्टर चल रहा है और इस साइड में तो खाना बन रहा था। और ये देख लीजिए हमारा जो है लकड़ियाँ जलाने के लिए एडवांस में मैंने करके रखा हुआ है कि कमे ना, इसलिए। बाकी और भी आपको एक नई चीज़ से रूबरू करवाता हूँ गाइस, ये देख लीजिए मैंगो इतना अच्छा है ना। ये पकने में थोड़ा टाइम है, पकने में थोड़ा टाइम लगेगा फिलहाल। तो आप बताएंगे कि आप अपने दिनचर्या में क्या क्या करते हैं। हम लोग तो थोड़ा जो भी मिल जाए कट डालते हैं, जहाँ पे लंगर मिल जाए खा लेते हैं, जहाँ पे दिल करे बना लेते हैं। गाइस, मुझे लगता है कि हमारी जो सब्जी है वो बनकर रेडी हो चुकी है, इसलिए मुझे लगता है कि अब उसे उतार कर मुझे फ्रेश होकर जाना चाहिए, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो चुका है। मुझे भी अर्जेंटली जाना था, अपनी बुक्स लाने के लिए जाना था, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन फाइनल कर चुका हूं और मैं आगे पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लूँगा, तो उसके लिए मैं पहले से ही प्रिपेयर होकर रहता हूं। तो फ़िलहाल मैं चलता हूं, क्योंकि मैं मुझे बुक्स लेकर आने में थोड़ी देरी हो सकती है। तो बाकी फिर मिलेंगे गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, तो बने रहिएगा हमारे इस चैनल पर। और जो भी मेरे फ्रेंड्स बिल्कुल नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगता है तो कृपया शेयर भी ज़रूर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।